गुरुवार की सुबह कैंप दो मिलन चौक बिहारी मोहल्ला में एक युवक का शव उसके घर के नीचे पड़ा हुआ मिला। मृतक का नाम सतीश चौधरी बताया जा रहा है। युवक के सिर से खून निकल रहा था। छावनी पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। कैंप दो मिलन चौक बिहारी मोहल्ले में एक युवक सतीश चौधरी का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक के सिर से खून निकल रहा था। सूचना मिलते ही छावनी सीएसपी प्रभात कुमार एवं टीआई मोनिका पांडे मौके पर पहुंचे और आसपास एवं घर के लोगों से पूछताछ और निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मृतक सतीश चौधरी अपने मामा अमित चौधरी के साथ रात में पड़ोसी के यहाँ चल रहे कार्यक्रम में गया हुआ था, जहाँ दोनों ने शराब एवं शराब के नशे में अपने मामा के घर के ऊपर वाले कमरे में दोनों सोने चले गए। दरमियानी रात सतीश का शव घर के नीचे पड़ा मिला। मृतक के भाई मनीष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुबह में जब हम लोग आए तो यहाँ पर बॉडी पड़ी थी सामने द्वार पर। काम करता था बाहर में, ऑफिसर काम था, ऑफिस का काम करता था। अभी लेकर गए पुलिस लोग मार्डम करने, न दुश्मनी तो नहीं था। बहरहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही संदिग्ध मौत का खुलासा होने की संभावना है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।